दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ना जाने कितने ही ऐसे खरबों ग्रह पृथ्वी जैसे हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन समय में थोड़ा पीछे जाएं तो 1990 से पहले वैज्ञानिकों के पास सिर्फ एक्सोप्लैनेट को लेकर थ्योरीज थी। लेकिन 1955 के बाद से एक्सोप्लैनेट की खोज का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी तक हम 4000 एक्सोप्लैनेट को खोज चुके हैं और 7000 तो ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जिनको अभी नासा द्वारा क्लासिफाई भी नहीं किया गया है। लेकिन एक्सोप्लैनेट की खोज में हमें कई ऐसे ग्रह भी मिले हैं जो पृथ्वी के जैसे लाइफ को सपोर्ट करते हैं और कुछ तो इतने भयानक ग्रह हैं जिनके बारे में आपने भी नहीं सुना होगा। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्केरी एक्सोप्लैनेट के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। TRES-2b ब्रह्मांड में खोजा गया पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो सबसे ज्यादा डार्क है, जिसे ब्लैक गैस जायंट भी कहा जाता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट येलो ड्वार्फ स्टार TRES-2 को ऑर्बिट कर रहा है, जो हमसे करीब 720 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। TRES-2 भी बाकी एक्सोप्लैनेट से ज्यादा स्कैरी इसलिए है क्योंकि ये ग्रह सूरज की रोशनी को 99% एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल 1% ही रोशनी इस ग्रह से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, क्योंकि TRES-2 का वातावरण पूरी तरह वेपोराइज सोडियम, पोटेशियम और टाइटेनियम ऑक्साइड से भरा हुआ है और सभी कंपाउंड इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अपने तारे से सिर्फ 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करने की वजह से TRES-2b का सरफेस टेम्परेचर 1800 डिग्री तक रहता है। इसी कारण इस ग्रह के वातावरण में फेंटेड रेड एम्बर्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। पर इतनी इन्फॉर्मेशन से अभी तक हम एग्जैक्ट रीजन समझ नहीं पाए हैं कि क्यों ये एक्सोप्लैनेट इतना डार्क है। पर अब फ्यूचर में इस ग्रह को करीबी से पढ़ना आसान हो जाएगा क्योंकि सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब ने अपने कदम ब्रह्मांड की दुनिया की ओर बढ़ा लिए हैं। कैंक्री ई को सुपर अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह का साइज पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की खोज 30 अगस्त 2004 में की थी, जो हमसे 40 लाइट ईयर दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो अपने होस्ट स्टार 55 कैंक्री ए को ऑर्बिट कर रहा है और अपने तारे के साथ कैंक्री ई टाइडली लॉक भी है। इसका मतलब कैंक्री ई की एक साइड हमेशा तारे की ओर रहती है, जिस वजह से ग्रह के एक साइड में हमेशा दिन रहता है और दूसरी साइड रात। इसी कारण स्टार फेस साइड हमेशा गर्म रहती है, जिसका सरफेस टेम्परेचर करीब 2400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के समय 1300 डिग्री तक। अपने तारे से केवल 27 लाख किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण वहाँ लावा और ज्वालामुखी का अभाव रहता है, जिसके कारण धूल के बड़े बादल वातावरण से बाहर नहीं जा पाते। और वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव में बताया है कि 55 कैंक्री ई अपना एक पूरा ऑर्बिट लगभग 18 घंटे में पूरा कर लेता है और ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम होने के कारण उसके वातावरण में कार्बन की एक लेयर को फॉर्म करता है जो डायमंड और ग्रेफाइट का निर्माण करता है। इसलिए 55 कैंक्री ई को डायमंड प्लैनेट भी कहा जाता है। केपलर 70b अभी तक का खोजा गया सबसे गर्म एक्सोप्लैनेट है, जो अपने होस्ट सब ड्वार्फ स्टार केपलर 70 को ऑर्बिट कर रहा है, जो अपने तारे का एक पूरा चक्कर 345 मिनट यानी 5.75 आवर में पूरा कर लेता है। केपलर 70b का सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों, केपलर 70b का टेम्परेचर हमारे सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा है, जो करीब 6500 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर का कारण वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि एक समय में ये ग्रह भी अपने तारे का एक हिस्सा था। मतलब जब केपलर 70 तारा अपने रेड जायंट फेज में जाने लगा था तो ये ग्रह अपने तारे में ही जा मिला था, लेकिन वह किसी तरह तारे के गैसेस की लेयर से बचकर बाहर आ गया था। यही कारण है केपलर 70b इतना ज्यादा गर्म है। लेकिन इसकी थ्योरी की पुष्टि के लिए हमें और भी ज्यादा सबूतों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, 2008 में खोजा गया वॉस्प 12b ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। ये ग्रह हमसे 870 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो अपने तारे वॉस्प 12 को केवल एक दिन में पूरा ऑर्बिट कर लेता है। वॉस्प 12 को हॉट जुपिटर भी कहा जाता है, जो अपने तारे से 0.03 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीब 45 लाख किलोमीटर की दूरी से अपने तारे को ऑर्बिट कर रहा है। इसलिए वॉस्प 12b का सरफेस टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस तारे की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तारा वॉस्प 12b के वातावरण को धीरे धीरे अपनी ओर खींचकर पूरी तरह एब्जॉर्ब कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वॉस्प 12b और 10 मिलियन सालों तक अस्तित्व में रहेगा और उसके बाद ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे में पूरी तरह जलकर खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट जो नॉर्मल एक्सोप्लैनेट से ज्यादा वियर्ड और स्केरी थे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।